इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को, और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज पहुंच सके सबसे पहले आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि हमारे वीडियोज के जो है नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर आप उसे देखेंगे तो आप उसे जरूर ही इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन काफी अनोखी है, ठीक है, और इसे देखते ही मैंने इंस्टॉल कर लिया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं अगर पहले आपको बताऊं कि इस एप्लीकेशन को डालने के बाद में आपका मोबाइल जो है अपने आप ही सारी चीजें करने लगेगा, ऐसा अगर मैं बोलूं तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अगर मैं YouTube खोलता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी मेरा वाईफाई जो है बंद है, ठीक है, यहां पर मेरा वाईफाई बंद है, और जैसे ही मैं अगर ये YouTube चालू करूंगा तो वाईफाई जो है चालू हो जाएगा, उसके साथ ही साथ स्क्रीन की ब्राइटनेस जो है बढ़ जाएगी, और अगर मेरा फोन साइलेंट है तो अपने आप जो है इसकी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर मैं YouTube पर जो है क्लिक करता हूं, अब मैं YouTube जैसे ही खोलूंगा तो देखिए ब्राइटनेस बढ़ चुकी है, थोड़ी ही देर में यहां पर वाईफाई भी आ जाएगा, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं वाईफाई कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं यहां पर वाईफाई भी आ गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये चीज अपने आप ही हुई है, वाईफाई भी अपने आप चालू हो गया, ब्राइटनेस भी जो है बढ़ गई है। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को बंद करता हूं तो वाईफाई भी बंद हो जाएगा और साथ ही साथ स्क्रीन की जो ब्राइटनेस थी वो भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी बैटरी जो है बची रहेगी। जैसे कि अगर मैं इसे बंद करता हूं, ये देखिए मैंने इसे जो है बंद कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऊपर से वाईफाई भी बंद हो गया और स्क्रीन की ब्राइटनेस भी कम हो गई। तो दोस्तों इससे आपकी बैटरी जो है बची रहेगी, बैटरी लंबे टाइम तक चलेगी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एक बार अगर वाईफाई चालू कर देते हैं या नेट चालू कर देते हैं तो उसके बाद में जो है उसे बंद करना कई बार भूल जाते हैं। तो यहां पर ये चीज YouTube के साथ भी आप कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं WhatsApp की बात बताऊं तो इसमें ब्राइटनेस मैंने थोड़ी सी कम रखी है, तो आप देख सकते हैं कि उससे जो है कम ब्राइटनेस यहां पर है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पर मैंने ये सेटिंग कर रखी है कि जब मैं WhatsApp खोलूं तो नेट अपने आप आ जाए, तो यहां पर देखिए नेट आ गया है। अब जैसे ही मैं इसे भी बंद करता हूं तो ऊपर से जो है वाईफाई भी बंद हो गया। तो दोस्तों काफी कमाल की ऐप है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं इस एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो यहां पर देखिए जैसे कि इस पर मैं टैप करता हूं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहां पर दोस्तों आपको जो सेटिंग्स ये पूछेगा उसको अलाउ कर देना है। अब ये देखिए मैंने कौन कौन सी एप्लीकेशन के लिए अभी फिलहाल सेट किया है, YouTube के लिए किया है, Chrome के लिए किया है, फाइल मैनेजर के लिए किया है, और यहां पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। जैसे कि पहले तो मैं जो हूं YouTube को रिमूव कर देता हूं, ठीक है, पहले मैं यहां पर सब कुछ रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, अब ये देखिए मैं यहां से YouTube को डिलीट कर देता हूं, पहले सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मैं आपको शुरुआत से जो है बता सकूं। तो दोस्तों अब जो है यहां पर ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको यहां पर क्लिक करना है। प्लस का आइकन करने के बाद में आप जिन एप्लीकेशन को सेट करना चाहते हैं यहां से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज के लिए कर सकते हैं, ड्राइव के लिए कर सकते हैं, फोन सेटिंग्स वगैरह, इसमें जितनी भी एप्लीकेशन है वो आप सब आपको दिख जाएगी। तो जैसे कि अगर आप YouTube के लिए करना चाहते हैं या WhatsApp के लिए करना चाहते हैं तो आप इसमें से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको किसी एक एप्लीकेशन का करके बताता हूं। तो यहां पर YouTube में क्लिक कर देता हूं। YouTube पर क्लिक करने के बाद में ये जो है आपको ओके कर देना है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि भाई आप अपनी स्क्रीन जो है ऑन रखना चाहते हैं या नहीं, ब्राइटनेस जो है अपने आप ही ले ले, नहीं हम इसमें क्या करेंगे अगर हम अपने आप ना ले, इसलिए हम लोग यहां से इसे 100 कर देते हैं। तो जैसे ही YouTube खुलेगा तो ब्राइटनेस जो है फोन की स्क्रीन जो है 100% ब्राइट हो जाएगी, मतलब कि फुल हो जाएगी, ठीक है। यहां से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब आप जानते होंगे कि मोबाइल को जैसे कि अभी ये सीधा रखा है तो ये जो है पोर्ट्रेट है, अगर आप इसको टेढ़ा करके जो देखते हैं वो जो है लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि वाईफाई YouTube जैसे ही चालू हो वाईफाई ऑन हो जाए,
तो अगर पहले ऑफ होता है तो यहाँ से आपको ऑन कर देना है। इसके अलावा आप ब्लूटूथ भी यूट्यूब खुलने पे ऑन हो जाए ऐसा कर सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल, अगर आपको कम वॉल्यूम रखनी है तो आप जो है यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं भाई, लेकिन मैं जो हूँ फिलहाल इसे फुल ही रखता हूँ क्योंकि यूट्यूब में जो है फुल वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कोई और एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट्सएप आप बहुत यूज़ करते हैं, फिर से प्लस पे जाना है। यहाँ पर जो है आपको नीचे की तरफ चले जाना है, व्हाट्सएप सिलेक्ट कर देना है। व्हाट्सएप सिलेक्ट कर देने के बाद में यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर भी सेम वही सेटिंग्स आएंगी। अब यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि यूट्यूब में मैंने फुल ब्राइटनेस रखी थी, अगर आप यहाँ चाहते हैं कि भाई कम ब्राइटनेस रखनी है तो कम ब्राइटनेस 44, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि 50% ब्राइटनेस रखें क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें स्क्रीन ब्राइट करने की ज़रूरत नहीं, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से जो चीज़ करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जितनी भी एप्लीकेशन ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि ये जो फीचर है किसी खास समय ही ऑन रहे, जैसे कि अगर आप ऑफिस टाइम में हैं या रात को सोते समय, तो यहाँ से आप कोई टाइम में ही इस तरह की सेटिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि सुबह 4:30 बजे से लेके अगर मैं चाहता हूँ कि 12 बजे तक ही मैं इसका यूज़ करूँ तो आप ये भी इसमें कर सकते हैं। फिलहाल इस सेटिंग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसे ऑफ रखता हूँ, मुझे तो पूरे दिन ये फीचर चाहिए तो मैंने इसे ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऐप का नाम है सेटिंग ऐप। आपको सिंपली प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में जो है आपको सिंपली सर्च करना है सेटिंग। ठीक है, ये जो सेटिंग आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, 4.1 इसके जो है स्टार हैं, ये कुछ 1 MB की सिर्फ एप्लीकेशन है और ये आपके फ़ोन में लोड भी ज़्यादा नहीं करती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड हाँ इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं इसी तरह से नए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।